नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्र को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यूपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जेल की पहली रात मुश्किल भरी रही। तन्हाई बैरक में रखे गए आशीष मिश्र को रात भर नींद नहीं आई और वो सारी रात बैरक में टहलते रहे और ऐसे करवटे बदलते नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि गर्मी से भी बेहाल वो नजर आ रहे थे। सुबह उन्हें नाश्ते में चाय के साथ एक पाव भी दिया गया। ऐसे में सोमवार को पुलिस आशीष मिश्र की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी, तो उनके वकील भी जमानत का प्रयास करेंगे। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का नेतृत्व कर रहे पुलिस के उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने शनिवार रात लगभग 11 बजे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आशीष ने पुलिस के सवालों का उचित जवाब नहीं दिया और जांच में सहयोग नहीं किया, वो सही बातें नहीं बताना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया है। साथ ही आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी भी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख को तय किया है, यानी कि कल इस अर्जी पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई अन्य संबंधित धाराओं में तिकुनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब आशीष को कल पूछताछ के लिए बुलाया था। अब करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा में 3 अक्टूबर को करीब 8 लड़ सकते हैं। वही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जिले के सभी आला अधिकारियों द्वारा लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। रानीखेत में सत्य सनातन धर्म मंच द्वारा छावनी परिषद के बहुउद्देश्यीय सभागार में रविवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में जिसकी जानकारी देते हुए सनातन धर्म मंच के संरक्षक गंगागिरी महाराज जूना अखाड़ा ने बताया है कि लोगों के सहयोग से इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कई संत और महंत भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परशेते जी महाराज होंगे और विचार गोष्ठी से पहले रानीखेत बाजार में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये कार्यक्रम हमारा सनातन धर्म की एक विचार गोष्ठी है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सभी सनातनियों को जोड़ते हैं और सभी सनातन धर्मी अपने धर्म के बारे में जान सकें और सनातन धर्म क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसके विचार क्या है, इसका आधार क्या है, इस बारे में अधिक से अधिक जान सकें, यही हमारी इसमें कोशिश रहती है। और ये हम हर साल लगभग 10 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल भी ये 10 अक्टूबर को की गई थी और इस बार भी ये 10 अक्टूबर को की जा रही है और अगली बार भी ये 10 अक्टूबर को की जा रही है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे आचार्य मंडलेश्वर जी परेशति जी महाराज, मंडलेश्वर हैं परेशति जी महाराज। सितारगंज में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर हुए विवाद के चलते किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद एसडीएम तुषार सैनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों और कच्चे आढ़तियों से बीच बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने कच्चे आढ़तियों पर अब मंडी परिसर की सात गांठ से किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि तय मानकों के बावजूद भी ये जो है धान की तौल में मनमानी कटौती करते हैं और आवाज उठाने पर धान तौल बंद कर देते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाए और वो उसे जो है अपने कम दामों पर खरीद सके। ऐसे में मामले में एसडीएम तुषार सैनी ने कच्चे आढ़तियों पर और किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को मानकों से ज्यादा कटौती ना होने का आश्वासन भी दिलाया।
जो कच्ची आढ़तियों के साथ डीएम साहब और किसानों की जो मीटिंग हुई थी, जो मानक तय किए गए थे कि अगर धान गंदा है, पंखा नहीं लगा है, तो 2 किलो कटौती की जाएगी, लेकिन उसके बाद और मॉइस्चर की अलग, लेकिन उसके बाद भी 2 किलो से ऊपर लूट की जा रही थी कच्ची आढ़तियों के द्वारा, 2+4, 2+5, जो काश्तकार की इतनी कटौती हो रही थी कि उसका धान 1400 रुपए को पड़ रहा था उसको, इसीलिए विवाद हुआ और किसानों द्वारा यहाँ पर जाम लगा दिया गया। उसके बाद में एसडीएम साहब आए और वो जो लूट चल रही थी उस लूट को बंद कराया गया कि 2 किलो से ऊपर कटौती नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सहमति हो गई। हाँ, अब सहमति हो गई है कि आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अभी तक 21 पोर्टल ही खुले हैं, 11 पोर्टल अभी जो है वो अभी रह चुके हैं, जो नहीं खुले हैं उनको भी तुरंत खोला जाए। अगर वो 11 पोर्टल खुलते हैं तो हमारी ट्रालियों की जो संख्या है यहाँ से वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो पोर्टल बाद में खुलते हैं तो उसकी लूट वो फिर जो कच्चे आड़ती है उससे लूट ही करेंगे, किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। तो हम इसलिए सरकार से मांग करते हैं इस समय 21 राइस मिल के जो पोर्टल हैं वो चल रहे हैं, 11 पोर्टल जो बंद है उसको भी खोला जाए, क्योंकि जो किसानों की जो ट्रालियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और खुल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।